पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक हलचल तेज, कहा सभी विकल्प खुले, पूर्व मुख्यमंत्री के अगले कदम पर लोगों की नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की आज करेंगी समीक्षा, साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा की उम्मीद। धर्म अध्यात्म के हिसाब से आज का दिन बेहद खास, सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और अंतिम सुमारी का शुभ संयोग, शिवालयों में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता। और ओडिशा के बड़बिल में ओडिशा पुलिस और पश्चिमी सिंहभूम पुलिस की अंतर्राज्यीय बैठक, नक्सल अभियान समेत अन्य विषयों पर मंथन, संयुक्त ऑपरेशन चलाने पर बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बगावती तेवर से राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर से पूर्व मुख्यमंत्री के अगले कदम पर सबकी नजर है। गौरतलब है कि श्री सोरेन ने कल दिल्ली पहुंचकर एक सोशल मीडिया पोस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने पार्टी के अंदर बार बार अपमानित किए जाने का भी आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए विकल्प खुले हैं। इधर इस प्रकरण को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। चार पैराग्राफ में लिखा गया है, पोस्ट दिखलाता है कि एक वरिष्ठ नेता जो पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ किसी पार्टी के साथ अपना चार दशक पूरा करता है, जो गुरु जी का हनुमान बन के रहता है, उनके हर फैसलों पर, हर एक राजनीतिक उतार चढ़ाव में उसके साथ खड़ा रहता है, तो आज एक इतना बेबस और लाचार अपने आप को पाते हैं कि इस तरह के पोस्ट करने को बाध्य होते हैं। इसी बीच जामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। यहाँ का जो हमारा विरोधी लोग है, जो भाजपा का लोग है, ये लोग तो आए दिन षड्यंत्र रचता रहता है, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, आदिवासी गैर आदिवासी, आदिवासी मुसलमान, यही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। ये लोग अब दूसरे राज्य से भी नेता लोग को बुला बुला करके यहां पर मंचों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हमारे यहां पर एकता अखंडता को तोड़ने में लगा है। जहां हमारा आदिवासी, गैर आदिवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहने वाला लोग के बीच में जहर बोने के लिए आ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की आज समीक्षा करेंगी। बैठक में पिछले एक साल में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ साइबर सुरक्षा और बैंकों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में वित्तीय समावेशन योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि पर भी चर्चा होने की है संभावना। बैठक में बैंकों के डिपॉजिट में वृद्धि, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो और एसेट क्वालिटी समेत कई वित्तीय स्थिति के प्रमुख मानकों पर फोकस रहेगा। बैठक में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के अधिकारी और सरकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी भी शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2024 और 25 के पूर्ण बजट के बाद ये पहली समीक्षा बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी सेवा में लेटरल एंट्री से भर्ती मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा है। संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लेटरल एंट्री की अवधारणा दी थी। उन्होंने कहा कि
उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसे विशेषज्ञों की भर्ती की सिफारिश की थी जिनके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने पिछली सरकार की इस सिफारिश को लागू करने के लिए पारदर्शी तरीका अपनाया है और यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस बात पर यह भी कहा कि इससे प्रशासन में सुधार होगा और इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि इस कदम से देश में आरक्षण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर यहां पर घमासान, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि दोहरा रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर विपक्ष। बिल्कुल, बीजेपी ने कांग्रेस को दिलाई है यूपीए के कार्यकाल 5 में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने दी थी इसकी सिफारिश और सरकार ने साफ किया है कि बेहद पारदर्शी तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो यूपीएससी के जरिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्ती यहां पर की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर यह बात कही है और कहा है कि प्रशासन में सुधार पर होगा विशेष जोर। भाजपा युवा मोर्चा के 23 अगस्त के प्रस्तावित युवा आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। रांची के साई कॉलोनी में चुटिया मंडल की बैठक में विधायक सीपी सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा रांची महानगर उपाध्यक्ष बसंत दास समेत कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर युवा आक्रोश रैली को लेकर जमशेदपुर महानगर और ग्रामीण जिला की भी बैठक हुई जिसमें राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू भी शामिल हुए। इस दौरान श्री साहू ने रैली को सफल बनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एम पॉक्स रोग को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा ने एम पॉक्स रोग की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य, गृह, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य अनुसंधान के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा ने देश में एमपॉक्स की तैयारियों की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। डॉक्टर पी के मिश्रा ने निर्देश दिया है कि बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बीमारी के संकेतों और लक्षणों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने और निगरानी प्रणाली को समय पर सूचना देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया है कि अभी तक देश में एमपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। वर्तमान आकलन के अनुसार निरंतर संचरण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को सूचित किया गया है कि एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह के बीच स्वसीमित होता है। एमपॉक्स के मरीज आमतौर पर सहायक चिकित्सा देखभाल और प्रबंधन से ठीक हो जाते हैं। एमपॉक्स का संचरण संक्रमित रोगी के साथ लंबे समय तक और निकट संपर्क में रहने से होता है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों के बीच उच्च शिक्षा में सुधार के संदर्भ में चर्चा हुई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर चिकित्सकों का आंदोलन लगातार जारी है। उच्चतम न्यायालय ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है जिस पर शीर्ष अदालत में कल सुनवाई होगी। देश के तमाम शहरों की ये वो तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है और मृत महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलने तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दिल्ली एम्स की डॉक्टर भी न्याय की इस लड़ाई में शामिल हुए और ह्यूमन चेन बनाया। बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठने के बाद मामला अब सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई की टीम ने रविवार को भी जांच जारी रखी।
सीबीआई की टीम फिर से आरजीकर अस्पताल पहुंची, जहां पर महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। सीबीआई टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में 3D लेजर मैपिंग की। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ भी की और घटना को लेकर तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय की मनोवैज्ञानिक जांच भी की गई है। बंगाल भाजपा के कई नेता पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, तो भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पीड़िता का बिस्तर बदलने का दावा भी किया। इस बीच ममता बनर्जी जहां राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं, तो वहीं वो अपनी ही पार्टी के लोगों के निशाने पर भी आ गई हैं। टीएमसी सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, तो बंगाल पुलिस ने उन्हें गलत सूचना फैलाने के आरोप में समन भेज दिया। बंगाल पुलिस ने भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी को भी इन्हीं आरोपों में समन किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा आज संपन्न होगी। इस वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों से 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। में चौथी बार ऐसा हुआ है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। और आज ही श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी संपन्न होगी। छड़ी मुबारक कल महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में साधु संतों के साथ 14,800 फुट की ऊंचाई वाले महागुंस टॉप के रास्ते आधार शिविर पंचतरणी पहुंच गई। पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद आज छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा में पहुंचेगी और इसी के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। सुबह श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पारंपरिक पूजन और अनुष्ठान किए जाएंगे। तो अमरनाथ यात्रा आज होगी संपन्न। छड़ी मुबारक आधार शिविर तक पहुंच गई है और इस बार हमने देखा कि रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए, तो ये एक रिकॉर्ड बना है। और आज अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का समापन आज होगा। तो छड़ी मुबारक का पर्व आज मनाया जा रहा है और लगातार हर साल हम देख रहे हैं किस तरह से बेहतर सुविधाएं यहां पर मुहैया हो रही हैं तमाम उन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। और इस बार का भी जो यात्रा रही, 52 दिवसीय यात्रा थी, काफ़ी लंबा समय था, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक और सुविधाओं से लैस इस मार्ग पर 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। आज देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहन अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधकर उनके समृद्धि तथा स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी बहनों की रक्षा और हर स्थिति में उनका साथ देने का वादा करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। और भाई भी बहनों को उपहार प्रदान करते हुए उनकी रक्षा और हर स्थिति में उनका साथ निभाने का वचन देते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्कूली बच्चियों ने राखी बांधकर उनसे आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री भी स्नेह भाव से उत्प्रोत नजर आए। उन्होंने बच्चियों से संवाद कर उनका उत्साह बढ़ाया। इधर राज्य में भी रक्षाबंधन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दोपहर 1:30 बजे से रात 9:07 तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। प्रातः से ही हम लोगों का ये जो भद्रा नक्षत्र प्रवेश कर गया है, तो 1:24 बजे तक भद्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा।
तो उसके बाद रक्षाबंधन मनाना ज़्यादा शुभ रहेगा। सभी लोग उसके बाद रक्षाबंधन मनाएंगे और जो है रक्षाबंधन में सभी लोग बहुत हर्षोत्साह से आनंद पर्व मनाएंगे। उधर लौह नगरी जमशेदपुर में भी इस पावन त्योहार को लेकर हर ओर खुशी दिख रही है। जमशेदपुर के ब्रांड एम्बेसडर समाजसेवी पप्पू सरदार ने चेशायर होम जाकर विशेष बच्चों और वहां के सिस्टर से राखी बंधवाई। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। वो फेस ऊपर करी हम लोग हर साल ऐसा ये बुरा कुछ से लोग बाइक आंधी सॉरी राखी बांधने के लिए लोग दे आर वेटिंग। इसलिए हम सभी कुछ के बच्चा लोग हम लोग सब कुछ है इसके इस टाइम में है। रक्षाबंधन के दिन तो इन बहनों के बीच में रहने का मजा ही एक अलग है और मन में खुशी होती है कि इतना सौभाग्य मेरा है कि इतनी सारी बहनें एक साथ राखी बांधती हैं। ये शायद कोई भाई को ही ये सौभाग्य नसीब होता है और मुझे मेरी बहन मालती चित ने भी राखी बांधी है। ये जितना भी मुझे श्रेय मिल रहा है या जो कुछ मिल रहा है ये मेरी बहन मालती चित की बदौलत है और इन बच्चों का प्यार है, ये मेरे से काफ़ी प्यार करते हैं। रक्षाबंधन को लेकर रांची में भी रौनक बढ़ी हुई है। मिठाई दुकानों और पूजन सामग्रियों की दुकानों पर सवेरे से ही लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार भाइयों और बहनों के बीच अनूठे बंधन का उत्सव है जो प्यार और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे देश की विविधता में एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के संकल्प को मजबूत करता है। सावन महीने की अंतिम सोमवार पर देश भर के शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोर से ही श्रद्धालुओं का आस्था और उल्लास के साथ भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और इस अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं गुजरात के नवासारी में श्रद्धालुओं ने सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। सावन माह के आखिरी सोमवार के अवसर पर यूपी के प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। अंतिम सोमवार के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष मंगला आरती की गई। धर्म अध्यात्म के हिसाब से आज का दिन बेहद खास है। आज कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और श्रावणी मेला का आज आखिरी दिन है। इस उपलक्ष्य में देवघर बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही जलार्पण का सिलसिला चल रहा है। बाबा मंदिर के पुरोहित लंबोदर पंडा ने बताया कि देवघर बाबा धाम में पुराने परंपरा निभाते हुए तीर्थ पुरोहितों ने सरकारी पूजा समाप्त होने के बाद बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर रक्षा सूत्र अर्पित किया। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए जलार्पण का कार्य शुरू किया गया। आज श्रावण मास का पूर्णिमा तिथि का अंतिम दिन है। अर्घा के द्वारा चूंकि इतना अत्यधिक भीड़ होने लगा इस कारण यहाँ अर्घा लगा दिया जाता था। चूंकि यहाँ स्पर्श करने का महत्व है, फिर कल से जो है सो बाबा का स्पर्श पूजा सब भक्तों के लिए शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मंथन में पांचवी सोमवारी से शंख की उत्पत्ति हुई थी जो शिव भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। हमारे बाबा बैद्यनाथ का प्रातः काल का पूजन अभी समापन हुआ और मैं जो मुख्य पुजारी थे उनके द्वारा बाबा के ऊपर रक्षा सूत्र चढ़ाया गया। वो बाबा से कामना किए जो सबों का कल्याण हो, सबों बाबा बैद्यनाथ के द्वारा सबों को विशेष रूप से रक्षा करे, सारा विघ्न बाधा दूर हो, सारी कामनाओं की बाबा बैद्यनाथ पूर्ण करे जो जो भक्त आ रहे हैं। वही प्रातःकाल का पूजन हुआ
अब जो है सारे भक्त अपने अपने जो जो सामग्री जो लाए हैं उनके द्वारा वो पूजन करेंगे। आज देवघर बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम दिखी। रक्षाबंधन होने के कारण कांवड़ यात्रा में काफी कम श्रद्धालु ही देवघर पहुंचे। कल से भादो मेला की शुरुआत हो जाएगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। ओडिशा के बड़बिल में ओडिशा पुलिस और पश्चिमी सिंहभूम पुलिस की एसटीपीओ स्तर पर अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान, अवैध मादक पदार्थ एवं अवैध व्यापार की रोकथाम, सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दों और अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट को सक्रिय करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान बेहतर समन्वय से संयुक्त ऑपरेशन चलाने पर जोर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक हलचल तेज, कहा सभी विकल्प खुले, पूर्व मुख्यमंत्री के अगले कदम पर लोगों की नजर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज की आज करेंगी समीक्षा। साइबर सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा की उम्मीद। धर्म अध्यात्म के हिसाब से आज का दिन बेहद खास। सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन और अंतिम सुमारी का शुभ संयोग। शिवालयों में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता। और ओडिशा के बड़बिल में ओडिशा पुलिस और पश्चिमी सिंहभूम पुलिस की अंतर्राज्यीय बैठक, नक्सल अभियान समेत अन्य विषयों पर मंथन, संयुक्त ऑपरेशन चलाने पर बल।